हेलो दोस्तों, अनीता आज रसोई में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं होली स्पेशल बिना साँचा बिना पूरी बेले गुजिया की बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और इसे बिगनर भी एक बार में ही आसानी से परफेक्ट गुजिया बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए लेंगे एक बर्तन में एक कटोरी मैदा, इसका हमें डो तैयार करना है। मोयन के लिए डालेंगे घी, घी के जगह पे आप रिफाइन ऑयल भी ले सकते हैं, और घी इतना डालना है कि मैदा मुट्ठी बंधने लगे घी मिक्स करने के बाद। अब घी के साथ मैदा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, खूब अच्छे से मसलते हुए। मोयन अच्छे से मिक्स हो गया है, मैदा एकदम चिकना चिकना सा लगने लगा है, और ये देखिए दोस्तों, मुट्ठी बांधने के बाद मैदा मुट्ठी बंधने लगा है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, और इसका पूरी जिस तरह का हम लोग बनाते हैं, जिस तरह का आटा से, उस तरह का डो लगा लेंगे। डो को खूब अच्छे से मसल मसल कर गूथ लेंगे। इस तरह से हल्का सख्त डो गूथ के तैयार है। अब इसे ढक देंगे और 15 से 20 मिनट रेस्ट पे छोड़ देंगे, और तब तक स्टफिंग तैयार कर लेंगे। एक मोटे तले का कोई भी बर्तन ले लेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी मेल्ट हो गया है, अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स। घी बहुत तेज गर्म नहीं करेंगे, अभी फ्लेम लो ही रखेंगे। बस थोड़ी देरी से घी में मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स बहुत बारीक कटा हुआ है, तो इसे बहुत ज्यादा देर तक नहीं भुनेंगे। अब इसमें डाल देंगे ग्रेट किया हुआ 1 कटोरी सूखा नारियल। स्टफिंग नारियल से तैयार कर रहे हैं, बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों, और गुजिया का सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाता है, गुजिया जल्दी खराब नहीं होता है। अब इसे अच्छे से 2-3 मिनट भून लेंगे। 2-3 मिनट नारियल भूनने के बाद अब इसमें डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़े में कटा हुआ गुड़। आज बहुत टेस्टी और हेल्दी गुजिया बना रहे हैं दोस्तों। जिन्हें चीनी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उन्हें ये गुजिया बहुत पसंद आएगा, और गुड़ का है तो ये सभी को पसंद आएगा। अब इसे लो फ्लेम में इस तरह से चलाते हुए गुड़ मेल्ट होने देंगे। इसे रेगुलर चलाएंगे, नहीं तो ये तले में चिपक जाएगा। आप गुड़ के जगह पे चीनी भी ले सकते हैं, और ये देखिए दोस्तों, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालिएगा तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। गैस ऑफ कर देंगे, और इसके बाद इसे अच्छे से नारियल के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों, आप भी इस तरीके से इस होली पे जरूर बनाइएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे आपको मेरी नए नए और आसान रेसिपीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिल्क पाउडर मिक्स हो गया है, और देखिए स्टफिंग बंधा बंधा सा दिखने लगा है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। स्टफिंग एक बर्तन में निकाल लिए हैं, और ये हल्का ठंडा भी हो गया है, इतना ठंडा कि इसे हाथ से छू सकते हैं। अब छोटा छोटा सा इसका लड्डू बना लेंगे। आज गुजिया का डिजाइन भी चेंज करेंगे दोस्तों, बहुत सुंदर बनेगा और एकदम आसान तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। इस तरह से लड्डू बना लेंगे छोटा छोटा सा, या आपको जैसा पसंद है, जिस तरह का आपको बनाना है उस तरह का लड्डू बना लीजिएगा। और अगर आपको छोटी इलायची पसंद है तो इसमें छोटी इलायची भी कूट कर डाल सकते हैं, वैसे नारियल का एक अपना ही टेस्ट होता है। सारा लड्डू बनके तैयार है। अगर लड्डू बनाने में दिक्कत हो, स्टफिंग ड्राई ड्राई लगने लगे, तो स्टफिंग थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा, आसानी से लड्डू बनके तैयार हो जाएगा। और ये हमने थोड़ा सा स्टफिंग बचा लिया है, इसका हम आगे यूज करेंगे। अब डो चेक कर लेंगे, और ये देखिए डो एकदम सॉफ्ट हो गया है। इसे एक बार फिर से अच्छे से मिला लेंगे। अब इसका लोई तैयार करेंगे। तो छोटा छोटा लोई आज तैयार नहीं करना है दोस्तों, आज पूड़ी नहीं बनाना है छोटा छोटा गुजिया के लिए, बड़ा सा रोटी तैयार करना है। तो इस तरह से जिस साइज का रोटी हम लोग बनाते हैं उसी साइज का लोई तोड़ लेंगे। अब लोई चकले पे रख देंगे, और जितना बड़ा चकला है उतना बड़ा रोटी बेलकर तैयार करेंगे। रोटी बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत मोटा भी नहीं, जिस तरह का गुजिया के लिए हम लोग पूरी तैयार करते हैं उसी तरह का रोटी तैयार कर लेंगे।
आज बहुत डिफरेंट तरीके से और बहुत आसान तरीके से गुजिया बना रहे दोस्तों। इतना आसान कि इसे बिगनर भी आसानी से बना सकते हैं। रोटी तैयार है, अब इसे एक चाकू की हेल्प से काट लेंगे। पहले इस तरह से बीच में काटेंगे एक बार, अब एक बार इस तरह से फिर काट लेंगे, इसे चार भाग में कर लेंगे। अब इसके किनारे से पानी लगा देंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर एक लड्डू रखेंगे जो भी स्टफिंग से तैयार किए हैं, और इस तरह से किनारा को उठाएंगे, बहुत सावधानी से उठाएंगे और इस कोने को इस तरह से पकड़ लेंगे और इसे इस तरह से बंद कर देंगे। बहुत अच्छे से बंद करना है, नहीं तो फ्राई होते समय ये खुल जाएगा। अब इस कोने को इस तरह से यहां दबा देंगे और यहां वाला जो कोना है इसे इस तरह से पकड़ेंगे और इसे इसके ऊपर ले आएंगे। बहुत आसान है बनाना दोस्तों, और इसे इस तरीके से फिर से एक बार अच्छे से दबा देंगे। खूब अच्छे से दबाना है, नहीं तो ये फ्राई होते समय खुल सकता है। इसे गुजिया कहिए या समोसा कहिए, बस बहुत टेस्टी बनता है। इस तरह से ये देखिए समोसा के जैसा बन के तैयार हो गया है। एक समोसा और बनाएंगे दोस्तों ताकि आपको बनाने में आसान हो। इस कोना को पकड़ेंगे और यहाँ पे चिपका देंगे, और किनारे वाला जो भाग है इसे भी अच्छे से दबा दबा कर चिपका लेंगे। इसे अच्छे से चिपकाना जरूरी है, नहीं तो फ्राई होते समय ये खुलने लगेगा। अब एक बार इस कोना को ये देखिए दोस्तों इस तरह से यहाँ पकड़ लेंगे और यहाँ पे दबा देंगे, और जो किनारे से है इसे भी फिर से अच्छे से दबा लेना है। बहुत आसान है बनाना दोस्तों, बहुत आसानी से बन जाता है। इतना आसान है कि इसे बिगनर भी आसानी से बना लेंगे। अच्छे से चिपक गया है और देखिए समोसा बन के तैयार है। इसी तरह से सारा समोसा बनाकर तैयार कर लेंगे। सारा समोसा बन के तैयार है, अब ये जो स्टफिंग है इससे जो नॉर्मल गुजिया बनता है उसे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। पूड़ी लेंगे पतला सा बेला हुआ और इसमें डाल देंगे स्टफिंग। ये वाला स्टफिंग से आप कुछ भी बना सकते हैं दोस्तों, लड्डू भी बना सकते हैं, बर्फी बना सकते हैं, कुछ भी बनाइए बहुत टेस्टी बनता है। अब इसे इस तरह से चिपका लेंगे, और ये गुजिया तो हम सभी जानते हैं बनाना, आसानी से बना लेते हैं। ये चिपक गया है और इसे अब मोड़ना भी देखिए किस तरह से मोड़ लेंगे। बस यहां दबाएंगे और इस तरह से दबाते जाएंगे। बहुत सिंपल है ये तरीका गुजिया बनाने का, और गुजिया बनके तैयार है। सारा गुजिया और समोसा भर के तैयार कर लिए हैं, अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। कड़ाही में रिफाइन ऑयल गरम करेंगे, आप रिफाइन ऑयल के जगह पे घी भी ले सकते हैं, और फ्लेम मीडियम रखेंगे, और तेल बहुत तेज गरम नहीं रखना है। एक छोटा सा मैदा का टुकड़ा डालकर चेक करेंगे, और ये देखिए तेल में हल्का हल्का सा बबल्स आने लगा है। बस अब यहीं पे हम गुजिया डाल देंगे, और इस तरह से जो नीचे वाला भाग है ये वाला जिधर हम मोड़े हैं इसे नीचे रखेंगे, बहुत हल्का हल्का गरम तेल में इसे डाल देंगे, और जितना तेल में गुजिया आ जा रहा है सब डाल देंगे। और गुजिया डालने के बाद फ्लेम लो कर देंगे, एकदम लो फ्लेम में धीमे धीमे आंच में इसे फ्राई करेंगे, और गुजिया तुरंत नहीं पलटेंगे नहीं तो ये खुलने लगेगा। बस हल्के हाथ से इस तरह से चला देंगे ताकि ये तले में चिपके नहीं। 2-3 मिनट फ्राई होते हो गया है, अब इन्हें सावधानी से पलट लेंगे। बहुत टेस्टी और बहुत आसान रेसिपी है दोस्तों, और बहुत हेल्दी भी है। अगर ऊपर का लेयर मैदा के जगह पे आटा से बना लीजिए, गेहूं के आटा से, तो ये बहुत ज्यादा हेल्दी भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी जरूर बनाइएगा दोस्तों, इस होली पे बहुत टेस्टी बनता है। और अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको मेरा ये टेस्टी सा रेसिपी कैसा लगा। अब इन्हें दोनों साइड से पलट पलट के गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे, और फ्लेम एकदम लो ही रखेंगे। गुजिया लगभग 10-12 मिनट फ्राई होते हो गया है, और ये अच्छे से फ्राई हो गया है, दोनों साइड से गोल्डन हो गया है और क्रिस्पी भी हो गया है। अब इन्हें इस तरह का एक बर्तन में निकालेंगे ताकि इसका सारा ऑयल निकल जाए। बहुत आसान है बनाना दोस्तों, आप भी इस तरीके से जरूर बनाइएगा।
सारा गुजिया निकाल लिए हैं और ये देखिए दोस्तों, जरा सा भी ऑयल गंदा नहीं हुआ है, एक भी गुजिया नहीं खुला है। इसे अच्छे से पानी लगाकर किनारा से चिपकाइएगा तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा फ्राई होते समय। समोसा गुजिया बनके तैयार है दोस्तों। अब इसे थोड़े से कटे हुए पिस्ता से सजा देंगे। एक बार मेरे तरीके से गुजिया जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। ये देखने में देखिए कितना खस्ता बना है और कितना टेस्टी। ये देखने में जितना टेस्टी है उतना ही ज्यादा ये खाने में भी टेस्टी है। तो आप भी इस तरीके से जरूर बनाइएगा।